ये सब तो एक सबसे पहले तो एक तो ऊपर वाला का भी ब्लेसिंग है, और कराती में स्पेशली कराती में हम अभी 40 इयर्स जैसे लगभग किया है, और पूरा देश का साथ हर एक स्टेट में मैंने जोड़ा, और उन सब ने हमें काबिल समझा कि दोबारा फिर री इलेक्ट किया, क्योंकि मैं भी रिटायर जाना चाहता था, क्योंकि सारा देश ने बोला है कि नहीं आप और एक बार हम लोग कोई कैंडिडेट नहीं दबाएगा कि आप ही होना है। तो प्रेसिडेंट स्पेशली अनओपोजली पूरा देश ने हमको सपोर्ट करके दोबारा बनाया। जितना हमारा नॉर्थ ईस्ट कराटे फेडरेशन उन लोग ने बहुत मूव किया, असम जो असम लोग बहुत सपोर्ट किया, जैसे मिजोरम हो गया, मणिपुर, जितना नॉर्थ ईस्ट है उन लोग ने बहुत सपोर्ट किया, और ईस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट ने बहुत रोल किया, उन लोग ने बहुत सपोर्ट किया, उनका वजह से हम सक्सेस हुआ। और क्योंकि हमारा इधर में 36 टोटल एफिलेटेड स्टेट है, तो इस बार 34 स्टेट आया, 2 स्टेट जो है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो गया नहीं आया, तो टोटली 34 स्टेट ने यूनानिमसली उन लोग ने बोला कि आप ये करना, और उसमें कोई और दूसरा बोलने का है ही नहीं था, फिर ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट इंडिया लोग ने मूव किया कि हमें दोबारा अध्यक्ष बनना है। तारा साहब, काफ़ी लंबा जर्नी है आपका कराटे का, और अरुणाचल के लोगों के साथ में, खास करके ये कराटे का जो डिसिप्लिन को आगे बढ़ाने में आप किस तरह से देखते हैं कराटे का जो हमारा डेवलपमेंट जो स्टेट्स में और युवा लोगों को बीच में? देखिए, कराटे एक लोग जितना जो अच्छा हुआ जो बुराई हुआ लोग देख रहे हैं अरुणाचल में, आज स्पोर्ट्स ऑफ कराटे अरुणाचल प्रदेश में सबसे टॉप प्रायोरिटी में है। आपने हाल ही में देखा होगा नॉर्थ ईस्ट गेम में हमारा 10 इवेंट था, तो 10 इवेंट में हमारा गोल्ड मेडलिस्ट अरुणाचल का ही गोल्ड मेडलिस्ट था, तो अरुणाचल में तो नॉर्थ ईस्ट में कराटे अभी अरुणाचल में टॉप में है, और इंडिया लेवल में हम लोग कभी थर्ड में आता है, कभी सेकेंड में आता है ये अरुणाचल। इसका वजह से भी लोग देखते हैं कि सारा अलग अलग जो स्टेट है देखते हैं कि हाँ इन लोग ने कुछ किया है, तो उसका भी हमें बहुत क्रेडिट मिलता है। तो हमारा युवा लोग को ये मैसेज है कि कोई भी चीज़ कराटे सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं है, कोई भी अगर गेम खेलता है उस गेम को मन से खेलना है, क्योंकि आप एक आदमी एक ही चीज़ को अच्छा से कर सकता है, दो चीज़ को आप नहीं कर सकते वो सक्सेस नहीं होगा। तो एक चीज़ को जो भी पकड़ता है वो तो अच्छा से करे। मैंने इसीलिए मैं कराटे को चुना है, और कराटे आज अभी इतना उम्र हो गया मेरा भी लगभग 57 हो गया, तो इसमें कराटे में मैं अभी तक जुड़ा हुआ हूँ। कराटे एसोसिएशन में कुछ उतराव चढ़ा हुआ था बीच में, आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे क्योंकि आप भी अध्यक्ष थे उस समय में? देखिए, लड़ाई तो होता रहता है, पॉलिटिक्स में भी बोलो, स्पोर्ट्स में भी, गेम में भी कंपटीशन होता है, लेकिन जब जीतता है उसी को ही मान के चलना पड़ेगा। मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर ना? हाँ, वो तो मान के चलना पड़ेगा, जो जीतेगा उसी को ही मान के चलना पड़ेगा। अभी जो गया है, जो हार गया, जो चला गया, उस चीज़ के लिए हम बोलना नहीं चाहता है, क्योंकि हमें सिर्फ स्पोर्ट्स कराटे को आगे बढ़ाना है। तो ये 40 साल में हमारा जो भाई लोग ने इस बार ये सेकेंड थर्ड टाइम होगा हमें प्ले स्टेशन दिया है, और इससे बहुत कुछ हमें सपोर्ट मिलता है, और ये जो लिखा वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी और उन सब का वजह से, क्योंकि घर जब आता है, घर वापस आने से ऐसे अगर कोई भाई लोग सपोर्ट मिलता है, अपना रिलेटिव लोग जब सपोर्ट देता है तो हौसला और बढ़ता है। तो ये इसीलिए इस चीज़ के लिए हम अपना भाई, जितना भाई जो बड़ा भाई आया है मेरा, बड़ा भाई टुगू, उन सबको मेरा कराटे फैमिली से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ने हमें इतना मान सम्मान दिया है, तो ये आगे हमें सिर्फ नहीं है, जो भी स्टेट में
अच्छा काम करता है उन सबको हमेशा इसी तरह से अगर सपोर्ट करेगा तो लोग आगे बढ़ेगा। थैंक यू।